जबरदस्त कालाहारी डेजर्ट, एक सूखी जमीन जहां सिर्फ टफेस्ट ही सर्वाइव कर पाते हैं। फिर भी साउथ अफ्रीका का ये मुश्किल इलाका घर है कुछ बहुत ही प्यारे जीवों का। और जिंदा रहने के लिए ये अपने तेज दिमाग और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तान के इन अनोखे जीवों के लिए सबसे जरूरी फैमिली होती है। वाइल्ड लाइफ आइकन्स, मीट द मीरकैट्स। साउथ अफ्रीका के 9 लाख किलोमीटर चौड़े इलाके पर है एक बहुत ही सूखी जमीन। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जितना ही पुराना, कालाहारी डेजर्ट भी पूरी तरह से सूखा हुआ है। यहां गर्मियों में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और बारिश कम ही होती है। पर यह बिल्कुल टिपिकल डेजर्ट नहीं है। इस सूखी जमीन पर घास और कंटीले पेड़ पौधे भी हैं, जो जमीन के अंदर से पानी अब्सॉर्ब करते हैं। यहां कई जीव भी रहते हैं, जैसे ये सोशल वीवर्स, जो घास और तिनकों की मदद से पूरी कम्युनिटी के लिए घोंसले बनाते हैं। इस मुश्किल दुनिया में ग्रुप बनाकर रहने में ही समझदारी है। और मीरकैट्स की प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है। यहां रहने वाली फैमिलीज माहौल के हिसाब से ढल गई हैं। मीरकैट्स एक तरह के मॉन्गूज होते हैं। इनकी लंबाई करीब 30 सेंटीमीटर और वजन 1 किलो से कम होता है। ये कार्निवोरस होते हैं और स्कॉर्पियंस और बीटल्स जैसे छोटे रेप्टाइल्स और कीड़े खाते हैं। इनके साथ साथ ग्राउंड स्क्विरल्स ने भी इसी इलाके में अपना घर बनाया हुआ है। पड़ोसी एक दूसरे से काफी कुछ सीख लेते हैं, खासकर ये कि ऐसे हालात में जिंदा कैसे बचा जाए। जमीन पर ये एक दूसरे पर नजर रखते हैं, पर इनकी कामयाबी का राज तो जमीन के नीचे छिपा हुआ है। यहाँ दोनों स्पीशीज न सिर्फ कुदरत के गुस्से से खुद को बचाए रखती हैं, बल्कि भूखे शिकारियों से भी बच जाती हैं। इनके बरोज इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन्हीं सेफ बरोज के जरिए ये पूरे इलाके में छानबीन कर आते हैं। सोशल मीरकैट्स और उनके आसपास के जीवों के लिए रेगिस्तान की जिंदगी चुनौती भरी है। हर पल खतरे से भरा होता है।
सूखा कई महीनों से चला आ रहा है। अब कालाहारी में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। यहां सर्वाइवल सिर्फ कलेक्टिव स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक रेयर इवेंट पर भी डिपेंड करती है। आखिरकार आसमान में बादल दिखाई देने लगे हैं। सूरज की पहली किरणों ने आते ही भरी हुई झीलों का स्वागत किया, पर रेगिस्तान की सूखी प्यासी रेत जल्दी ही इन झीलों का पानी अब्सॉर्ब कर लेगी। सबसे पहले फीमेल मियर कैट ने ताजा पानी से भरी अपनी दुनिया को इन्वेस्टिगेट किया। आज सुबह जमीन ठंडी और गीली है, जिससे दिलों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। जल्दी ही फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी उसके पीछे हो लिए। रात भर काफी सर्दी थी, अब ये सुबह की धूप सेकना चाहते हैं। पर धूप सेकते वक्त भी इन्हें विजिलेंट रहना होगा। आज तो इस विजिलेंस की खास वजह भी है, बच्चे। पांचों बच्चे मुश्किल से 3 हफ्ते के होंगे और अब तक इन्होंने बिल की प्रोटेक्टेड लाइफ ही देखी है। आज पहली बार इन्होंने इस बड़ी सी दुनिया में कदम रखा है। इन टॉडलर्स के लिए बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये बड़ों के पास ही रहते हैं। आने वाले हफ्तों में बच्चे ऊपर का खाना शुरू कर देंगे और जल्दी ही इन्हें खुद का खाना ढूंढना होगा, पर अभी तो माँ के दूध से ही इनका काम चल जाता है, उसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। मियरकैट सोसाइटी की हेड फीमेल होती है और ताकतवर फीमेल्स ही फैमिली के 80% नए मेंबर्स को जन्म देती है। इसने एक रेडियो कॉलर पहन रखा है, जिससे रिसर्चर्स इस पर और इसके ट्रूप पर नजर रख पाते हैं। ताकतवर मेल होने के नाते बाप का भी फैमिली में काफी जरूरी रोल होता है,
पर यहाँ बाप के मुकाबले माँ की ज्यादा चलती है। हाँ, कभी कभी उसे शैतान बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये ऐसे रिश्ते बना रहे हैं जो आगे जाकर इनके बहुत काम आएंगे। फीमेल हेड के सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसे अपने बड़े बच्चों का भी ख्याल रखना है जो अब टीनेजर्स हो चुके हैं, और उसके अलावा उसे ग्रुप के बड़ों को भी गाइड करना है, जिसमें से ज्यादा जीव एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। बीस मियर कैट्स के इस कॉम्प्लेक्स फैमिली सिस्टम में हर मेंबर बच्चे संभालने में मदद करता है। इंसानों के बच्चों की तरह इन बच्चों को भी हर वक्त देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। इन्हें शिकारियों से बचाना कोई आसान काम नहीं है। ये अच्छा है कि एक गार्ड हमेशा बाहर ड्यूटी पर रहता है। किसी भी घर की तरह मियरकैट मैंशन में भी दिन के कई काम निपटाने होते हैं। बिल के दरवाजे की मरम्मत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरा होने पर ये जान बचाकर उसी के अंदर भागते हैं। सारी फैमिली, यहां तक कि एक बच्चा भी इस काम में हाथ बटा रहा है। पर कुछ शरारती नौजवानों को तो बस शैतानी सूझ रही है। लड़ाई जोरदार लग रही है, पर ये खेल खेल में लड़ रहे हैं। ये इन शैतान मैमल्स का फेवरेट टाइम पास है। इस बिहेवियर की वजह हम अब तक जान नहीं पाए हैं। हो सकता है इसका रिलेशन ग्रुप के आपसी बॉन्ड और सोशल रैंकिंग से हो सकता है कि उसके साथ ही ये अपनी ताकत और स्पीड भी परखना चाहते हों। माँ भी बीच में आती है, पर लगता है उनके साथ कोई कुश्ती नहीं लड़ना चाहता। एक नौजवान ने तो अपने भाई का सर पकड़कर उसे नीचे पटक दिया है। पर फिर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इस बेसिर पैर की मारामारी की वजह चाहे जो भी हो, पर यह लगती काफी मजेदार है। खेलना तो होता रहेगा, अभी तो फैमिली को भूख लगी है, और ये शिकार का कीमती वक्त यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। आज पहली बार बच्चे भी खाना ढूंढने में बड़ों की मदद करेंगे, और मां जानती है कि इनके सामने क्या खतरा आ सकता है। पर रात को बारिश गिरने से इन्हें खाने की कमी नहीं रहेगी। इस इलाके में जहां ज्यादातर सूखे का राज रहता है, ये जानती है कि इन्हें हर मौके का फायदा उठाना है।
ये अच्छा है कि इसने सेफ्टी के सारे तरीके अपना रखे हैं। इसका विशाल इलाका बिलों से भरा पड़ा है, यानी शिकारियों के आते ही ये सुरक्षा के लिए भागकर किसी भी बिल में छिप सकते हैं। फीमेल हेड ने ऊंची जगहों पर गार्ड्स भी तैनात कर रखे हैं। आमतौर पर कम रैंक वाले मेल्स को ही ये ड्यूटी दी जाती है। ये अपना काम पूरी मुस्तैदी से करते हैं, करना ही पड़ेगा, फैमिली की सुरक्षा इन पर डिपेंड करती है। और आज ये हाई अलर्ट पर है। सबसे छोटे बच्चे शिकारियों के सामने सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, इससे माँ बहुत टेंशन में आ जाती है। खतरा किसी भी पल कहीं से भी आ सकता है। बाहर खुले में रहना नन्हे बच्चों के लिए नया एक्सपीरियंस है। ये बड़ों को आवाज लगा रहे हैं और उनके साथ साथ रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फैमिली के लिए ये काफी परेशानी का वक्त है। इन्हें बच्चों को खाना ढूंढना सिखाना है और ये भी देखना है कि कहीं वो किसी और का खाना ना बन जाएं। अच्छा है कि आज इन्हें बड़ी आसानी से खाना मिल गया है। बारिश की वजह से टर्माइट्स बाहर निकल आई हैं। ये मेट करना चाहती हैं और नई बस्तियां बसाना चाहती हैं, और इसी चाह में इन्हें पंख आ गए हैं। पर ज्यादातर ये टर्माइट्स ज्यादा दूर नहीं जा पाती हैं और बस मियरकैट्स का खाना बनकर रह जाती हैं। प्रोटीन से भरे हुए ये कीड़े इनके लिए परफेक्ट नाश्ता हैं। हालांकि इस बच्चे को यकीन नहीं कि ये इसके पंख चबा पाएगा कि नहीं। वैसे नई स्किल्स सीखनी है तो अपने माँ बाप को देखकर सीखिए। और छोटे बच्चों के लिए सबसे जरूरी है ये सीखना कि जमीन कैसे खोदी जाती है। रेगिस्तान में मियरकैट्स की कामयाबी के कई राजों में से ये भी एक है। बड़े जानवरों के पास लंबे पंजे होते हैं जिससे वो जमीन खोदने में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ पलों में रेत का बड़ा सा ढेर खड़ा कर देते हैं। ये ऐसी आर्ट है जो छोटे बच्चे अब भी सीख ही रहे हैं। अभी तो इन्हें यही सीखने में काफी वक्त लगेगा कि खुद के लिए खाना कैसे ढूंढा जाता है। कभी कभी इसके जैसे मास्टर डिगर्स को भी खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत ही तेजी से खाना ढूंढ रहा है। रेत की गहराइयों में इसके काम की कोई तो चीज छिपी हुई है। खोदते वक्त कानों को रेत से बचाने के लिए मियरकैट अपने कान बंद कर लेते हैं। जमीन की गहराई में ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। आखिर में इनाम के लालच से ही की गई ये सारी मेहनत वसूल हो जाती है।
कालाहारी के फूड चेन में मिया कैट शिकारी और शिकार दोनों का रोल अदा करते हैं। आसमान में कई रैप्टर्स उड़ान भर रहे हैं। पर इनमें से कोई भी शिकारी पक्षी अफ्रीका के सबसे बड़े और शिकारी मार्शल ईगल जितना खतरनाक नहीं है। 2.5 मीटर के विंग स्पैन, बहुत ही ताकतवर पंजों और लंबी दूरी तक साफ देख सकने वाली नजरों के साथ ईगल मियरकैट का सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मियरकैट की आंखें भी खास तौर पर इसके लिए अडेप्टेड हैं। उनके आसपास काला फर होता है जिससे उनकी आंखों में तेज चमक नहीं पड़ती और वो बिना किसी मुश्किल के आसमान पर नजर रख सकते हैं, यहां तक कि ये सीधे सूरज की तरफ भी देख सकते हैं। गार्ड ने अलार्म बजा दिया है। बच्चे अपनी जान बचाकर भागे। साथ काम करके और पूरी निगरानी रखकर उन्होंने ईगल को मात दे दी। पर इस हमले से पूरी फैमिली बुरी तरह डर गई है। सबने एक बार फिर करीबी जांच पड़ताल की ये देखने के लिए कि खतरा टल गया या नहीं। गार्ड ने सबको दिलासा दे दिया कि हां, खतरा टल गया है। ग्रुप हर वक्त आपस में बातचीत करता रहता है। शायद बार बार बात करने की यही आदत इन्हें जिंदा रखती है। पर हवा से आने वाले खतरे कई शेप्स और साइजेस में आते हैं, जिसमें आउल्स, बजर्ड्स, यहां तक कि काइट्स जैसे छोटे शिकारी पक्षी भी शामिल हैं। रेगिस्तान में मियरकैट्स का इलाका काफी बड़ा होता है, जिससे वो खाना ढूंढने के लिए नई जगहों पर जाते रहते हैं। माँ जानती है कि इन्हें सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताना काफी मुश्किल काम है, पर बॉस होने के भी अपने ही फायदे हैं। इसकी बहन ने एक बड़ा सा रोडेंट पकड़ा है और फीमेल हेड ने जल्दी ही उसे हथिया लिया। ये अभी भी अपने बच्चों को दूध पिला रही है और उसके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा खाने की जरूरत है। अपनी बहन का खाना छीनकर इसे ना सिर्फ रोडेंट खाने से एनर्जी मिली, पर शिकार ना करने की वजह से इसकी काफी एनर्जी बच भी गई है। इस तरह उसने ग्रुप को अपनी ताकत का सबूत भी दे दिया है। आमतौर पर फीमेल हेड्स ग्रुप पर 2.5 साल तक राज करती हैं, और ये फीमेल तो अच्छी खासी जवान है। बाकियों के लिए फैसला करना आसान है, अगर इस ग्रुप में रहना है तो इसके हिसाब से जीना होगा। पर यहां रहने वाले सारे जीवों की तरह मियरकैट भी रहते तो रेगिस्तान की मर्सी पर ही है।
कुछ बड़े और छोटे मियर कैट्स एक मरे हुए बैट ईयर्ड फॉक्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर छोटे बच्चे उसके पास जाने को तैयार नहीं है। मैगट्स ने इसे खाना शुरू कर दिया है, यानी इस फॉक्स को मरे हुए काफी वक्त गुजर गया। ये बहुत ही भयानक नजारा है जो यहाँ की मुश्किल जिंदगी की याद दिलाता है। कालाहारी में जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जल्दी ही फैमिली खाने की तलाश में जुट गई और उस नजारे को किसी बुरे सपने की तरह भुला दिया। एक बच्चे ने अपनी आंटी से बड़ा सा कीड़ा लिया है और खुशी के मारे वो भूला नहीं समा रहा है। ये बड़ा कीड़ा उसे काफी वक्त तक उलझाए रखेगा, जिससे माँ को अपनी फेवरेट डिश खाने का मौका मिल गया, जो है एक डिलिशियस जूसी स्कॉर्पियन। पर उसे पकड़ना आसान नहीं है और उसमें काफी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जहरीले डंक को पहले खाकर उसने इसके जहर के खतरे को कम कर दिया और उसके नुकीले डंक के वार से भी बच गई। खाने के बाद माँ अपनी फैमिली को पास के एक बिल में ले गई। अफ्रीका की तेज गर्मी में शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए मियरकैट्स का छांव में रहना बहुत जरूरी है। अभी फैमिली में सबको आराम करने की जरूरत है। लगता है एक नौजवान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बहन उसके पास ही बैठी है। माँ भी उसे देखने आई है, पर लगता है कि फैमिली की अजीब सी हरकतों को देख उसकी बीमारी भाग गई है। पर इनके पड़ोसियों को दोपहर की नींद लेने का भी वक्त नहीं है। अफ्रीकन ग्राउंड स्क्विरल्स पेड़ों की जिंदगी छोड़कर रेगिस्तानी जमीन पर रहने आ गए हैं। वेजिटेरियन होने की वजह से इनके और मियरकैट्स में खाने को लेकर कोई मुकाबला नहीं होता और इसी वजह से ये एक ही इलाके में मिलजुल कर रह पाते हैं। ग्राउंड स्क्विरल्स का सिस्टम मियरकैट्स से बिल्कुल उल्टा होता है। इनमें मेल और फीमेल्स अलग अलग ग्रुप्स बनाकर रहते हैं और ताकत को लेकर हुए झगड़े बहुत ही तेजी से सुलझाए जाते हैं। ग्राउंड स्क्विरल्स कई तरह के पौधे, बीज और रूट्स खाते हैं। पर इन्हें पेट भर खाना ढूंढने में दिन भर लग जाता है।
इस सीजन में इन्हें अपनी फेवरेट चीज खाने को मिलती है। नर्म पत्तियों और रसीले फूल वाले डेविल थॉर्न प्लांट अभी अभी जमीन से उगे हैं। इनके फूल बहुत टेस्टी होते हैं। ग्राउंड स्क्विरल्स सूरज की तेज किरणों और झुलसती गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो बस ये तुरंत अपना अम्ब्रेला खोल लेते हैं। इससे ग्राउंड स्क्विरल्स भरी दोपहर में भी खाने की तलाश कर पाते हैं, यानी वो वक्त जब मियाकैट्स को मजबूरी में आराम करना ही पड़ता है। जैसे जैसे दोपहर की गर्मी कम होती है, मियाकैट्स आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। इनके हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से इन्हें हर वक्त भूख लगती रहती है। माँ फिर से सबको लेकर खाना ढूंढने निकल पड़ी है। बढ़ती फैमिली में बहुत सारे भूखे पेटों की भूख शांत करनी है, इसलिए ये जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करेगी। इसने फिर से अपने ग्रुप के किसी मेंबर से खाना छीना, पर ये उसे अपने बच्चे के साथ भी बांटने को तैयार नहीं है। हो सकता है ये देखकर आपको लगे कि माँ पत्थर दिल है, पर इसे भरपेट खाना जरूरी है ताकि अपने सारे बच्चों को पूरा दूध पिला पाए। ये सुपर मॉम तो बस अपनी इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक काम कर रही है ताकि अपनी फैमिली को जिंदा रख पाए। ये बच्चा अपने लिए खाना ढूंढने के लिए बहुत छोटा है और ये अपने बड़े भाई के साथ साथ चल रहा है ताकि इसे कुछ तो हिस्सा मिले। इस बार इसे खाना बांटने की इजाजत मिल गई है, पर ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जल्दी ही बच्चों को मुफ्त का खाना मिलना बंद हो जाएगा। इन्हें खुद खाना ढूंढना होगा, और जैसा कि इनके बड़े भाई की हरकतों से साफ है, ये बहुत ही मेहनत का काम है। इसे जमीन के नीचे से कुछ बहुत ही टेस्टी चीज की स्मेल आ रही है, पर कभी कभी टेस्टी खाना इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। आखिरकार वो इसे मिल ही गया, एक मोटा ताजा कीड़ा। कई कीड़ों की तरह मिलीपीड्स के लिए भी बारिश का मतलब मेटिंग सीजन। पर ये सब इस बच्चे की समझ से बाहर है। इसे समझ नहीं आ रहा कि इतने खतरनाक दिखने वाले कीड़े को खाए तो कैसे खाए। खतरा महसूस करते ही मिलीपीड्स एक बदबूदार गंदी चीज छोड़ने लगते हैं, जिसे सूंघते ही बच्चे की भूख मर जाती है। पर फिर भी अगर मियाकैट की भूख तगड़ी हो तो वो मिलीपीड की कुछ स्पीशीज चबा जाते हैं, फिर भले ही वो दावत कम और टेस्टलेस डाइट फूड ही क्यों ना हो। बाकियों से बड़े और दिलेर बच्चे ने कीड़े को ट्राई करने की हिम्मत कर ही ली, पर इस डर्टी क्रीपी क्रॉली को देखकर
छोटे बच्चों का दिल सहम जाता है। कालाहारी के मेन्यू कार्ड में कई टेस्टी डिशेस भी हैं। इस यंग मियाकैट को अपनी फेवरेट डिश मिल गई। इसने एक बड़े से कीड़े की पूंछ पकड़ ली है। असल में ये बिना पैरों का रेप्टाइल है, जिसे स्पेड स्नाउटेड वर्म लिजर्ड कहते हैं। पर ये कीड़े को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पा रहा है। पर ये एक्सपर्ट प्लेयर है और ये जानता है कि जीत हासिल करने के लिए कभी कभी बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना पड़ता है। दावत काफी बड़ी है। इसके छोटे भाई को भी एक वर्म लिजर्ड मिली है, पर इसके लिए इसे पूरा खा पाना काफी मुश्किल है। नन्हे मियाकैट के लिए ये दावत जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है। दोपहर ढलने तक ग्राउंड स्क्विरल्स ने भी पेट भरकर खा लिया है और अब ये अपना फेवरेट काम करने में जुट गए हैं, जो है एक दूसरे की देखभाल करना। इससे ग्रुप के सदस्यों के रिश्ते गहरे होते हैं। और ये तो दिख ही रहा है कि ये कितना रिलैक्सिंग है। एक तरफ जहां ग्राउंड स्क्विरल्स ब्रेक ले रहे हैं, वहीं यंग मियाकैट्स की चाल तेज हो रही है। इन्हें रेत से भरा गड्ढा मिला है, जो कुश्ती के दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल सही है। वैसे भी यंगस्टर्स के पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी होती है, पर बाकी की फैमिली तो दिन के बाकी घंटे भी खाना ढूंढने में ही बिताती है। लगता है ये छुटकू अब तक ये नहीं सीखा है कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, इसलिए ये अपने पिता की पूंछ को मोटा सा कीड़ा समझ बैठा है। एंट्स भी काफी टेस्टी होते हैं, पर ये छोटे बच्चे अब तक उन्हें पकड़ना नहीं सीखे हैं। एंट्स इन्हें काट लेते हैं। अब कुछ सीखना है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पर इन मियाकैट्स को सिर्फ एंट्स के डंक का खतरा नहीं रहता। इनके कई नेचुरल प्रेडेटर्स भी होते हैं। उनमें से एक है खतरनाक केप कोबरा। ये बेबी मियाकैट इस कोल्ड ब्लडेड किलर के लिए बिल्कुल परफेक्ट मील साबित होगा। पर ग्रुप की ताकत ना सिर्फ उसके कई मेंबर्स हैं, बल्कि सांप के जहर को सहन करने की काबिलियत भी। मियाकैट सांप के ऐसे डंक से भी बच जाते हैं जो आसानी से किसी इंसान का काम तमाम कर दे। खाना ढूंढते वक्त मियाकैट्स गिरे हुए पेड़ों में खाना ढूंढते हैं
सांप भी आम तौर पर इन्हीं जगहों पर छिपते हैं। इसका मतलब दोनों की मुलाकात होती रहती है। घर जाते वक्त डैड को रेत में कुछ पड़ा हुआ दिखा। हाल ही में उतारी गई स्नेक स्किन। ये सावधानी से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके लिए ये खतरे का सिग्नल है, पर ग्रुप मिलकर खतरे का सामना करेगा। मियरकैट्स बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। होशियारी और मिलकर काम करने के अलावा ये खासियत प्रेडेटर्स से रक्षा करने में भी बहुत काम आती है। ऐसा कहा जाता है कि मियरकैट्स ग्रुप बनाकर सांप पर हमला भी करते हैं। इससे सांप डर जाते हैं और मियरकैट के इलाके पर घर बसाने का इरादा बदल देते हैं। बच्चा स्किन के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और माँ पास ही खड़ी होकर देख रही है। आखिरकार एक बच्चे ने करीब जाने की हिम्मत कर ही ली। ये बहुत ही जरूरी लेसन है, ये सीखना कि सांप बहुत खतरनाक है और उससे बहुत सावधानी से निपटना चाहिए। इससे इनके जीवन और मौत का फैसला हो सकता है। दिन भर कई तरह के खतरों का सामना करके अब फैमिली अपने बिल की तरफ बढ़ रही है। सबसे छोटे बच्चे के लिए दुनिया देखने का पहला दिन एक्साइटिंग भी रहा और चैलेंजिंग भी। एक अच्छा मियरकैट बनना सीखना कोई आसान काम नहीं है। ये इतने थक चुके हैं कि इनसे खड़े रहते नहीं बन रहा। पूरे ग्रुप के लिए ये दिन काफी यादगार रहा। पूरा दिन निकल गया लेसन सीखने और रिलेशंस गहरे बनाने में। माँ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है। इसकी बढ़ती फैमिली का पेट भरा हुआ है और जबरदस्त कालाहारी में एक और मुश्किल दिन बिताने के बाद अब ये सुरक्षित तरह से घर वापस आ चुके हैं।